आज मंगल का दिन है और किसका मंगलमय ये दिन होने वाला है, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी मौजूद हैं। बिहार में काबा, देखिए अभी रुझान आ रहे हैं और लगभग 3 से 4 राउंड की गिनती हुई है, लगभग 24 राउंड की गिनती होनी है। बिहार की जनता ने जिस रूप में उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, विश्वास है, उम्मीद है महागठबंधन जीतेगी। अभी शुरुआती चरण है इसलिए कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन हमें भरोसा और विश्वास है कि बिहार की जनता ने भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ, रोजगार को लेकर, किसान को लेकर और खासकर कोरोना काल में जिस तरह वहाँ के लोग परेशान रहे, उम्मीद है, भरोसा है कि महागठबंधन और श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो 7 सीटों में इलेक्शन था, उन सातों की सातों सीटों पर कांग्रेस कहीं से भी बढ़त नहीं दिख रही है, कहाँ कमी रहेगी? नहीं देखिए, अभी हम 2 जगहों पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, बांगरमऊ में और घाटमपुर में। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं ने काफ़ी उत्साह के साथ मेहनत किया, हम लगातार विपक्ष के रूप में सड़कों पर भी रहे, लाठी खाए, हमारे कार्यकर्ता जेल गए। जिस रूप में सरकार की जो भी विफलताएं थी वो जनता के बीच में ले जाने का काम, और वहाँ जो लोगों का अपार जन समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा था, अभी तो 3-4 राउंड की गिनती हुई है, थोड़ा इंतजार करिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या लगता है कि 22 में ऑप्शन बन पाएंगे, जो किसी सेमीफाइनल के तौर पे हम लोग देख रहे थे और जनता भी देख रही थी? नहीं देखिए, इसको सेमीफाइनल के रूप में लेना मुझे लगता है कि जल्दीबाजी होगी, इसलिए कि ये सरकार का के समय का चुनाव होता है और पूरी सरकारी मशीनरी और सरकार के लोग पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से लगते हैं इसमें। बहुत सारे मतदान के अंतर्गत सत्ता का दुरुपयोग भी होता है और मुझे लगता है कि इसको 2022 के चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जो उम्मीद है कि उनका आंकड़ा काफ़ी कम होगा, वोट प्रतिशत भी गिरेगा और जनता उनसे नाराज है इस चुनाव से, चूँकि जो सबसे बड़ी बात है सरकार न बननी है न बिगड़नी है, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो उम्मीद और भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास घटा है और विपक्षी दल के लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में आएंगे। अगर हम चुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश को नहीं भूल सकते, मध्य प्रदेश में भी आज उपचुनाव के परिणाम आ रहे हैं, वहाँ के परिणाम को लेकर के कितने आश्वस्त हैं आप लोग और किस तरीके से वहाँ? देखिए मैं पुनः कह रहा हूँ कि अभी सभी जगहों में मात्र 4 से 5 राउंड की गिनती हुई है और अभी भी किसी निर्णय पर जाना जल्दीबाजी होगी, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। रुझान पहले कुछ और दिखा, फिर अभी कुछ और दिख रहा है, फिर आने वाले समय में क्या दिखेगा, तो ये तो सब भविष्य की गर्त में है, बस 2 घंटे की बारी है, फिर तो सब सामने आ जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू, जिनका साफ तौर पर कहना है अभी परिणाम नहीं आए हैं, रुझान चल रहे हैं, कुछ घंटों की बारी के इंतजार करिए, उसके बाद परिणाम आपके सामने होंगे। कैमरा पर्सन अमित निगम के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।